2026 में से इंडिया में कैश विड्रॉल एंड कैश डिपॉजिट सिस्टम में मेजर चेंज देखने को मिला है, जहां अब कंपलसरी हो गया है हर सिटीजन के लिए कि अगर वो वन फाइनेंशियल ईयर में किसी बैंक इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस में 20 लाख या उससे ज्यादा का कैश डिपॉजिट या विड्रॉ करते हैं तो उस केस में उनको पैन नंबर या फिर आधार नंबर कोड कराना होगा। दोस्तों पहले क्या होता था, जब आप अपने बैंक अकाउंट में एक दिन में 50,000 या उससे ज्यादा का कैश डिपॉजिट करते थे तभी आपको अपनी पैन डिटेल्स प्रोवाइड करनी होती थी, बट उस केस में भी कोई एनुअल लिमिट नहीं थी इन योर कैश विड्रॉल और कैश डिपॉजिट। इनफैक्ट सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि CBDT ने अपने 10th मई में दिए गए नोटिफिकेशन में ये भी बताया कि ये रूल तब भी लागू होगा जब आप किसी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में ओपन करेंगे अपना करंट अकाउंट या फिर कैश क्रेडिट अकाउंट। सो दीज रूल्स आर बेसिकली एम्ड एट रिड्यूसिंग फाइनेंशियल फ्रॉड, एज इसके थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ईजिली मॉनिटर कर पाएगा हाई वैल्यू कैश ट्रांजेक्शन and it will also help to trace money movement. Hope आपको ये वीडियो valuable लगी होगी और fintech related updates के लिए बने रहिए हमारे channel wishfin.com के साथ।